गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये चंपा का सब्जेक्ट हमारा नहीं है आज। हमारा सब्जेक्ट है कि अगर हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो छत की देखभाल कैसे करें, जिससे हमारी छत की केयर हो और छत ख़राब ना हो। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अब मानसून आने से बारिश शुरू होने वाली है। आप ये देख रहे हो, ये सुबह से बारिश नहीं हुई है, रात बारिश हुई होगी तो उसमें देखो ये अभी भी गीला है। तो इस तरह की अगर आपकी छत है जहाँ पे आपका ढलान है, तो उसमें आप प्लीज़ अपने प्लांट अगर आपके लगे हुए हैं तो आप हटा दो। यहाँ पे मेरी ये लगी हुई थी पेटी, इसमें प्लांट लगा रखे थे और वहाँ पे भी लगी हुई थी, वो पूरा ये मेरा भरा हुआ था क्योंकि गर्मियाँ बहुत थी तो छुपा छुपा के प्लांट रखने पड़ रहे थे। इस तरह से देखो यहाँ पे ये पूरी मैंने इस तरह से लगा रखी थी, पूरी गुलाबों की रॉ मेरिया लगी हुई थी, सब मैंने यहाँ से शिफ्ट करी है क्योंकि पानी का ढलान यहाँ, देखो ये पानी की मिट्टी बह के आई हुई है। तो जबकि मैं कल झाड़ू लगा के गई थी, तो डेली का आप अपना रूटीन बना लो, आपको झाड़ू डेली लगानी, वरना आपका जो पाइप है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, पानी वाला पाइप है ना। और पानी रुकेगा तो नीचे सीलन आएगी, तो जितने की गार्डनिंग नहीं होगी उतने की आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो आज मैं आपको ये बताने वाली थी, गार्डन की तो केयर करेंगे ही करेंगे मानसून में, बट साथ में हम छत की भी केयर करेंगे, वरना हमारी छत की ऐसी तैसी हो जाएगी, है ना। और ये देखो इस तरह से मैं पत्थर लगा के इस तरह से पत्थर लगाती हूँ और उस पर मैं प्लांट रख लेती हूँ। ये अभी मैंने ट्रांसप्लांट किए थे थोड़े से प्लांट, तो मैंने धूप में, क्योंकि धूप निकल नहीं रही थी तो मैंने धूप लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा इधर साइड से कर दिया है। तो मैं इस तरह से पत्थर लगा के ऊँचा करके, देख लो आप, ये यहीं पर लगा हुआ था तो ऊँचा करके लगाया, तो ये इस तरह से पानी आपका बह जाएगा, यहाँ पर ऐसे पानी बह जाएगा और ये इसमें पानी रुकेगा भी नहीं छत पे, है ना। और छोटे छोटे प्लांट्स हैं, अब पानी बहुत पड़ रहा है तो आप इस तरह से सेट कर दो, बीच में सेंटर में जहाँ पे पिलर वगैरह हो वहाँ पे आप रखो अपने प्लांट्स को, पिलर के ऊपर आपके बीम पड़े होंगे, पिलर पड़े होंगे तो वहाँ पे आप लगाओ, जिससे लोड आपके पिलर पे और बीम पे जाए, छत पे ना जाए। अब मेरे यहाँ पे एक यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने ये पेटी इसीलिए यहाँ लगाई है, ये देख रहे हैं ये चीज़ है, ये इसका मतलब है यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी बीम है। उस चीज़ का ध्यान रखो, अगर ये जहाँ पे दरार हो वहाँ पे प्लांट तो बिल्कुल मत रखो, देख रहे हो ये दरार, क्योंकि अगर यहाँ पे रखोगे तो इसमें पानी मरता रहेगा और ये सीलन का सबब होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखो, अपने प्लांट का भी ध्यान रखो, अपनी छत का भी ध्यान रखो। अब ये मेरे बड़े बड़े प्लांटर है, ये सब मैंने बीम पे रखे हुए हैं, यहाँ पर बीम पड़ा है, ये छज्जा है, अगर मैं उधर रख दूँगी बड़े बड़े प्लांटर तो ये मेरे छज्जा गिरने का डर रहेगा और पानी भी मरेगा, है ना। और ये देखो मेरे सारे प्लांटर के नीचे पत्थर इस तरह से लगा रखे हैं, पत्थर लगा लगा के रखे हैं जिससे कि पानी रुके भी ना और हवा लगे तो हवा पास हो और जो सूख जाए, है ना। और ये कुछ पॉलीथीन बैग में मैंने लगा रखे हैं, ये भी मैं अभी ख़त्म करूँगी। ये वो प्लांटर है, ये वाला प्लांटर है, इसमें कुछ शिफ्ट करूँगी और कुछ वो जो खाली हो गया उसमें शिफ्ट करूँगी, और थर्माकोल भी इसीलिए लेके आई हूँ। इस तरह से इनमें सब में इस तरह से सब में मैं लगा दूँगी प्लांट, और मेरे प्लांट जो है सेफ, प्लांट भी सेफ रहेगी, मेरी छत भी सेफ रहेगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, अपने साथ साथ अपने पौधों के साथ साथ अपने गार्डन का भी ध्यान रखो, है ना। और ऊँचाई पर अपने शिफ्ट कर दो, जितने भी आपके प्लांट नीचे, ज़्यादातर नीचे रखे हुए हो उन सबको ऊपर की साइड में शिफ्ट कर दो, नीचे बिल्कुल मत रखो। नीचे रखोगे तो जहाँ तक हो सके ऊपर की, छोटे छोटे प्लांटर हैं मैंने इस तरह से पत्थर लगा लगा के शिफ्ट कर रखे हैं, देख रहे हो आप इस तरह से, और ईंटें लगा लगा के मैंने ये सब शिफ्ट किए हुए हैं, ये तो मेरे परमानेंट ही ईंटें लगी हुई रहती हैं जिससे कि पानी नीचे मरे ना। और देखो सभी सूख गया है, सब सूख गया, बिल्कुल सारा पानी सूख गया, ऐसा नहीं कि पानी सूखा हो ना हो। अब इस तरह की मटकियों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है तो अब पानी अपने आप लग रहा है, तो इस तरह की मटकियों को हटा दो अपने प्लांटर के नीचे से। ये देखो मैंने सारा सामान इसमें शिफ्ट कर दिया एक जगह, ऊंचाई पे रखा, देखो इस तरह से है मेरा गार्डनिंग। कुछ तो मैंने नीचे रख दिया पेटी में भर के, कुछ इस तरह से, और ये कट्टों में मिट्टी भरी हुई है, ये भी मैं अभी प्लांट जो थर्माकोल के बॉक्सेस लेके आई हूँ उनमें डालूंगी। तो ये इन दोनों में मिट्टी भरी हुई है, और देखो मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल, देखो जहाँ ये रखी हुई है फर्श पे रखी हुई है ना छत पे, वहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है। अगर ये सूखेगा नहीं तो फिर से पानी लग जाएगा, तो यहाँ पे सीलन आने का डर है। और मैं सारा सामान यहाँ से मैंने शिफ्ट कर दिया इस तरह से, मेरा पीछे इसके पीछे बहुत सामान भरा रहता था वो मैंने सारा शिफ्ट कर दिया, और डंडे वगैरह हैं वो सब इस तरह से लगा के रखो इकट्ठे,
फैला के नहीं इकट्ठे करके रखो, टूल्स वगैरह की संभाल के रखो। अभी ये मैं नीचे लेकर ही जाने वाली थी, अपने गार्डनिंग टूल्स जितने भी सबको हटा दो, कि अगर जितनी मिट्टी बहेगी छत पे। मैं आज पूरे दिन यही काम कर रही थी, इसमें भी मैं शिफ्ट कर दूंगी। अभी मैं ईंटें लाने की एक ईंट की ज़रूरत पड़ गई, बार बार जीना चढ़ना उतरना पड़ा, थक रही हूँ, ये भी मैं शिफ्ट कर दूंगी। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस तरह की अगर कंपोस्टिंग आप करते हो कि जो टेरेस होती है उसके उस पर बिल्कुल मत रखो, आप इस तरह से लगा दो। इससे तो दो फायदे होंगे आपके, कि एक तो आपकी इसमें नीचे छत में जो है सीलन नहीं आएगी, क्योंकि इसमें लिक्विड इस तरह के निकलते रहते हैं जो हमारी छत को ख़राब भी कर सकते हैं, लिंटर को फुला सकते हैं। तो और इस तरह से आप ऐसे रख दोगे तो इसमें जितना भी बारिश का पानी जाएगा, तो बारिश का पानी जाएगा, इसका लिक्विड जितने निकलेगा वो आपके प्लांट को मिलेगा, कंपोस्टी वो बन बन के निकलेगी इसमें। और इसमें बहुत अच्छे से आप चाहो तो इसमें एक प्लांट भी, मिट्टी डाल के प्लांट भी लगा सकते हो। इसमें भी मेरी इसी तरह की थी सारी, गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट, तो इस तरह से मैंने प्लांट लगा दिया, तो आप इस तरह से प्लांट लगा दो। मेरे देखो सारी में मैंने जितनी भी कंपोस्टिंग की है वो सारी मैंने इस तरह से रख रखी है। देखो इसमें भी कंपोस्टिंग हो रही है, इसमें मिट्टी डाल के और कुछ प्लांट भी लगा सकते हैं, और सारा पानी इसका लिक्विड जो है इसमें से निकलता निकल के इसमें जाएगा, तो आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलेगा, आपकी छत भी सेफ रहेगी। अभी मैंने यहाँ से भी कुछ प्लांट हटाए हैं, हैं इस तरह से, अगर हवा नहीं लगी ये भी हटाना ही पड़ेगा ये, क्योंकि इससे भी मुझे लग रहा है थोड़ा पानी कहीं रुके ना, तो इसे भी मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो ये प्लांट लेके आई हूँ थर्माकोल के, तो वो सारे मैं इसी तरह से शिफ्ट करूँगी। और छत का ध्यान रखना है तो आप अपनी छत पर हल्के बहुत लाइट वेट जो गमले होते हैं वो रखो। शुरुआत में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, कहते नहीं सीखते सीखते इंसान सीखता है गलतियाँ करके ही, तो मैंने इस तरह के बहुत बनाए थे ये इस तरह के टब सीमेंट के। तो ये सीमेंट के भारी होते हैं, एक तो शिफ्ट करने में परेशानी हो जाती है, सांस फूल जाती है, और दूसरे आपके छत पे लोड भी बढ़ता है। तो मैंने ये इसीलिए यहाँ रखा है कि ये बीम है ये बीम, तो ये यहाँ पे बीम पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरी किचन वगैरह है, नीचेगा इसके लोड को सह लेगा। तो इस तरह से आप प्लांटर अपना सेट करो, और कोशिश करो प्लास्टिक के और थर्माकोल के ही प्लांटर लो, है ना। मेरा ये मेन रीज़न बहुत था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी इस वाली छत पे जबकि कोई प्लांट नहीं लगा रखा है, इसमें मिट्टी की वजह से जो बारिश में पानी भर गया था, इसका जो मेन पाइप था वो बंद हो गया था इसका, ये तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। तो इसमें मैं चढ़ तो सकती नहीं हूँ, चढ़ूँ तो चढ़ूँ कैसे, है ना। तो पानी पूरे यहाँ जो किनारी नहीं होती इसकी, यही किनारी ये जो किनारी, यहाँ से पानी पूरा भर के नीचे टिप 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 पूरा बारिश की तरह टपकता रहा, कम से कम 6-7 घंटे तक बारिश रुकने के बाद भी। तो ये टेंशन बहुत कॉमन है, फिर हम तो यहाँ तो प्लांट लगाते हैं, जबकि मेरे इस छत पे नहीं आती, क्योंकि मैं डेली की डेली मैं सफाई करती हूँ। जब भी मैं प्लांट शिफ्ट करूँगी तो सफाई करूँगी, वैसे भी झाड़ू लगाती रहती हूँ, जिससे कि सारी मिट्टी, एक तो मिट्टी इतनी मेहनत से लेके आते हैं हम, और फिर दूसरी अगर वो बह जाए तो बहुत दुख लगता है, और नुकसान भी जाएगा, पाइप भी बंद हो जाएगा, पानी पूरी छत का पानी जिसमें जाता है वो भी बंद हो जाएगा, तो नुकसान देगा। तो इस तरह से हम अपने गार्डन के प्लांट को शिफ्ट करें, है ना। और ये देखो इसमें भी अभी मैंने मिट्टी डाली है, इस तरह से मिट्टी, और ये मैंने इसमें अभी आम के छिलके वगैरह आ रहे हैं, तो इस तरह से कंपोस्टिंग शुरू हो रही है, ये देखो है। तो इस तरह से कंपोस्टिंग शुरू हो रही, तो आप इस तरह से करो, और नीचे रखोगे कैसे, ये दो ईंटों के टुकड़े लगा के रखना इस तरह से, जिससे कि आपके प्लांटर में फंगस का अटैक ना हो पाए, धीरे धीरे लिक्विड तो निकलता रहे और फंगस ना लगे। और मेरे प्लांट को कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैं शिफ्ट भी कर देती हूँ, अब जैसे नहीं होता तो ये वाला प्लांट, ये वाला कुछ दिन इसमें था, इसमें रख दिया था, देखो ये ईंटें लगी हुई हैं, टुकड़े पर रखा था, अब इधर मैंने रख दिया। इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई तो मैंने सोचा चलो ये बाल से वगैरह इससे भी न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, तो मैं इधर लगा दूँ। तो देखो आप कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। तो इस तरह से हम अपने गार्डन की देखभाल करें और छत की भी देखभाल करें, और ख़ुद को भी इन्फेक्शन से बचा के रखें, है ना। नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।